आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वाले कभी आपके लिए नए एक्सप्रेसवे नहीं बनाएंगे, नए एयरपोर्ट या डिफेंस कॉरिडोर नहीं बनवाएंगे। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी सोच को हराना है। यह बयान पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लोकार्पण के दौरान आयोजित जनसभा में दिया। जाहिर है मुफ्त की रेवड़ी का जिक्र कर वह विपक्षियों को निशाने पर ले रहे थे। इस दौरान उन्होंने जनता से रेवड़ी कल्चर वालों से सावधान रहने को भी कहा। यह भी स्वाभाविक था कि इससे मुफ्त बिजली पानी दे रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बिफरना ही था। तभी उन्होंने बिना देर किए पीएम मोदी पर हमला बोल दिया। मोदी पर उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अपने देश के बच्चों को मुफ्त और अच्छी शिक्षा देना और लोगों को अच्छा और मुफ्त इलाज करवाना, इसे मुफ्त की रेवड़ी बांटना नहीं कहते। हम एक विकसित और गौरवशाली भारत की नींव रख रहे हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं, केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार से पहले दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत बहुत ख़राब थी, जैसी अन्य राज्यों में आज भी है। दिल्ली में सरकारी स्कूलों में बहुत बुरी स्थिति थी, आज मैं इन बच्चों को फ्री में शानदार शिक्षा दे रहा हूँ, तो क्या मैं गुनाह कर रहा हूँ? सुनिए केजरीवाल ने और क्या क्या कहा। मुझ पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है, केजरीवाल फ्री बीज दे रहा है, मुझे भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही है, मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। आज मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं कि मैं क्या गलत कर रहा हूं। दिल्ली के गरीबों के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चों को मैं सरकारी स्कूलों में शानदार शिक्षा दे रहा हूं, लेकिन फ्री में शिक्षा दे रहा हूं। मैं लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या मैं फ्री की रेवड़ियां बांट रहा हूं या देश की नींव रख रहा हूं। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। इन 18 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में था। अभी तक हमारी सरकार बनी थी उसके पहले, जैसे देश भर में सरकारी स्कूलों का बेड़ा गर्क है, देश भर में सरकारी स्कूलों की बुरी हालत है, वैसे ही दिल्ली के सरकारी स्कूलों की हालत थी। पढ़ाई होती नहीं थी, सरकारी सारे स्कूल टूटे फूटे पड़े थे, दीवारें टूटी हुई थी, छतें छू रही थी, ब्लैक बोर्ड था नहीं, डेस्क नहीं थे, नीचे बैठे रहते थे बच्चे, उनकी कोई पढ़ाई नहीं होती थी। 18 लाख बच्चों का भविष्य बर्बाद था। आज अगर हमने इन 18 लाख बच्चों का भविष्य अच्छा कर दिया, अगर मैं इन बच्चों को अच्छी शानदार शिक्षा दे रहा हूं लेकिन फ्री में दे रहा हूं, तो मैं क्या गुनाह कर रहा हूं? सरकारी स्कूलों में पहली बार, आज़ादी के बाद से पहली बार, 75 साल में पहली बार 99% से ज़्यादा नतीजे आए हैं। मैं अगर अपनी बड़ाई खुद करूं तो कहा जाएगा कि केजरीवाल खुद अपनी बड़ाई कर रहा है, लेकिन नतीजे 99% से ज़्यादा नतीजे आए हैं सरकारी स्कूलों के। प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ दिया। पिछले कुछ सालों में 4 लाख बच्चों ने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा के सरकारी स्कूलों में भर्ती हुए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। आज गरीबों के बच्चे आईआईटी के अंदर कंप्यूटर, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, नीट के पेपर पास करके डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। एक लड़का है गगन, उसके पिताजी कार्डबोर्ड बनाने, गत्ते के डिब्बे बनाने की फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते हैं। कोरोना में वो नौकरी भी छूट गई, 15,000 रुपये महीने कमाया करते थे। आज गगन का एडमिशन आईआईटी धनबाद में कंप्यूटर इंजीनियरिंग में हुआ है। उससे पूछ के देखिए कि क्या केजरीवाल फ्री की रेवड़ियां बांट रहा है या देश का भविष्य बना रहा है।